प्लाज्मा तकनीक से लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के सीरियस मरीजों का उपचार किया जा रहा है। लगातार प्लाज्मा डोनर सामने आ रहे हैं और इन लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं। आज हम आपको केजीएमयू के डॉक्टर तौसीफ खान के बारे में बताते हैं। डॉक्टर तौसीफ कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहे थे, इसी दौरान संक्रमित हो गए, फिर क्वारंटीन हुए, इलाज हुआ और फिर जब ठीक हो गए तो वापस अस्पताल में मरीजों का इलाज करने लगे और तो और गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए प्लाज्मा भी डोनेट किया। आई एम डॉक्टर तौसीफ, रेजिडेंट डॉक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, केजीएमयू लखनऊ। कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान मैं खुद इससे इन्फेक्ट हुआ। मैं 21 डेज के आइसोलेशन में था, मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरा टेस्ट निगेटिव आया। 14 डेज के होम क्वारंटाइन के बाद आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं यहाँ पे केजीएमयू में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ। और मैं सभी उन लोगों से अपील करता हूँ जिनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है, वो खुद आगे बढ़ें और प्लाज्मा डोनेशन में हेल्प करें। प्लाज्मा डोनेशन से हम ऐसे पेशेंट को बचा सकते हैं जो इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, जो काफ़ी सीरियस पेशेंट हैं, और ये एक इजी प्रोसीजर है, इसमें किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं होता है। डॉक्टर तौसीफ के अलावा केजीएमयू में लखीमपुर खीरी के उमा शंकर पांडे ने भी प्लाज्मा डोनेट किया। आज मिस्टर उमा शंकर पांडे जी आज जो लखीमपुर खीरी से आए, सौभाग्य से ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं कि ऐसे मरीज जो शायद ठीक ना हो पा रहे हैं, इतने सौभाग्य नहीं है उनका, उनको ये अपना प्लाज्मा दान देंगे और उनको जीवन दान देंगे। आपको बता दें कि डोनेट किए गए प्लाज्मा से प्राप्त एंटीबॉडी इस बीमारी से लड़ने में सहायक होगी। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना संक्रमित मरीज के ठीक हो जाने के कम से कम 14 से 28 दिन बाद उसके खून से प्लाज्मा निकाला जाता है। इससे सही हो चुके रोगी के एंटीबॉडी तत्व दूसरे रोगी के शरीर में जाते हैं। ऐसा करने से संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है, इससे उसका कोरोना संक्रमण जल्द ठीक होने की संभावना बढ़ती है।